हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप अपने घरों में ठीक होंगे और हम लोग भी सब ठीक हैं यहाँ पे। अभी बजे हैं सुबह के 9 और साहिल और इसके पापा ड्यूटी चले गए हैं। मैंने उन दोनों के लिए सुबह ही नाश्ता बना दिया था। अभी मैं बना रही हूँ काले वाले चने और आलू की सूखी सब्जी, और इसके साथ मैं पूड़ी बनाऊंगी क्योंकि आज सपना और कविता घर जा रहे हैं। तो मैंने ना इन दोनों के लिए रास्ते के लिए टिफ़िन भी बनाना है, और आज मैंने ना पनीर बनाना था बट इन दोनों को पनीर पसंद नहीं है, तो मैंने ना कल रात को ही ये चने भिगा दिए थे। और जब मैंने सुबह नाश्ता बनाया ना, उसी समय एक साइड को आलू और ये चने मिक्स करके दोनों ही बॉयल कर लिए थे। और अभी मैं जल्दी से नाश्ता बना लेती हूँ क्योंकि ना इन दोनों को भी लेट हो रहा है, तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए। आज ना मैंने पूड़ी बनाने के लिए निकाली है अपनी लोहे वाली कढ़ाई। ये मैंने ना कोटा में ख़रीदी थी, बहुत टाइम हो गया इस कढ़ाई को। वहाँ पे ना क्या था, सब्जी मंडी लगती थी तो वहाँ पे बेचने आते थे ये, तो मैंने वहीं से ख़रीदी इसको। और जो इसका कलर है ना, वो मैंने ऐसा ही ख़रीदा था जैसे अभी दिख रही है ना, तो मैंने ऐसे ही ख़रीदी थी इस कढ़ाई को। बहुत ही अच्छी कढ़ाई है मेरी ये, और इस पे मैं सब्जी और पूड़ी और पकौड़ी बनाती हूँ। ये मैं आप लोगों को इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये ना काली कलर का, मतलब जो ये दिख रहा है ना, ये ऐसा ही रहता है। मतलब आप लोग ये मत सोचना कि मैंने इसको साफ़ नहीं किया है या गंदी है, तो मैं इसीलिए पहले ही आप लोगों को बता दे रही हूँ कि इसका कलर जो है ऐसा ही है पहले से ही। और ना मैं जैसे गैस को ना खाना बनाते बनाते ही साफ़ करने लग जाती हूँ, जैसे कुछ भी गिरता है ना, मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि चूल्हे पे कुछ ऐसे गिरे खाना बनाते वक्त, तो मैं जल्दी से उसको ना साफ़ कर देती हूँ। और इसी चक्कर में ना एक दिन मैंने कढ़ाई चढ़ाई थी और बहुत तेज़ गर्म थी वो, तो मैं ऐसे ही साफ़ कर रही थी ना, मेरे हाथ पर बिल्कुल चिपक गई कढ़ाई और मेरे हाथ पर बहुत बड़ा निशान हो गया। मैंने ना 2-3 दिन तो मतलब उल्टे हाथ से मतलब आटा गूंदा, जो सीधा हाथ था ना पूरा ही जल गया था। मैं सोचती हूँ कि मतलब बाद में ही गैस साफ़ करूँ, फिर ना पता नहीं क्या होता है, खुद ब खुद मैं गैस साफ़ करने लग जाती हूँ। मेरे को ना ये आदत कभी छूटेगी नहीं, तो ना मैं जल्दी से पहले नाश्ता बना लेती हूँ। ये लोग ना पिथौरागढ़ जाने के लिए अपनी पैकिंग करने लग गए हैं। अब कब आओगे यहाँ हमसे मिलने? अब आओगे बाहर। जल्दी जल्दी नौकरी लगो या तो फिर शादी करो, शादी आएंगे। अवेलेबल ही शादी के लिए। एक ये है और एक ये है, उम्र मत पूछना मगर। बस एक साल होना चाहिए, चलेगा। मैंने ना नाश्ता बना के रेडी कर लिया है और ये दोनों भी नहा धो लिए हैं, और मैं बोल रही हूँ ना टाइम से नाश्ता कर लो, पता नहीं इसके पापा कब आ जाएंगे लेने के लिए, तो मैं इन दोनों को नाश्ता करा लेती हूँ और उसके बाद मिलती हूँ आप लोगों से। उसके बाद मैं लगाऊंगी इन दोनों को टीका, क्योंकि ना हम कुमाऊनियों में क्या होता है ना, कोई भी जैसे घर से जाता है तो उस टाइम पे टीका लगाते हैं जाते वक्त।
नीचे तक आती हूँ तो। चलो रे भाई बाय, बाद में मिलेंगे। पिथौरागढ़ चैनल आप भी आए गाइस कर लेना। हाँ एक जन आइए रखेंगे बीच में बैठेंगे ना। हाँ एक जन आइए गाइस, हम तैयार हो गए हैं हेलमेट तो दोस्तों अभी बज गए हैं शाम के 6 और मैंने धोने हैं बर्तन। अभी आया है सप्लाई का पानी। आज ना मेरा दिन भर मतलब कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा था, क्योंकि ना सपना और कविता जो गांव से आए थे वो चले गए, सुबह ही चले गए थे 11 बजे, 10:30-11 बजे चले गए थे यहाँ पे से। और उनको जाना था घर को, तो वो 5 बजे वाली गाड़ी से गए हैं और उनको जाना था हरिद्वार। हरिद्वार मतलब वहाँ पे नहा धो के और जो गंगा जल है उसको घर पे ले जाना था, तो वो यहाँ से जल्दी निकल गए थे। और मेरे को ना बिल्कुल भी मतलब बहुत उदास लग रहा था, क्योंकि ना साहिल और मतलब साहिल के पापा दोनों आपस में खेलते रहते हैं, मैं मतलब उतना बात नहीं करते हैं जितना मैं करती हूँ, तो वो दोनों मतलब मेरे साथ खूब हंसी मजाक। हम लोग ना 2 दिन मतलब सुबह और शाम मतलब रात को भी हम लोग मतलब 2:30-3 बजे तक बातें करते थे। तो ना आज अजीब सा लग रहा है मेरे को, और क्या कर सकते हैं, क्योंकि वैसे हम हमेशा ही देखो अकेले रहते हैं ना, कभी कभी मतलब कोई आता है घर पे तो लगता है ना मतलब पता नहीं क्या मिल गया हमको। तो मैंने उनको बोला है कि नेक्स्ट टाइम मतलब जब भी आओगे ज़्यादा दिन के लिए आना, क्योंकि घर में ना गांव में उसके दीदी की शादी है तो वो चली गई, नहीं तो 1 हफ्ते रुकती और मैं उनको ज़रूर रोकती 1 हफ्ते, मगर उसकी दीदी की बोली शादी है तो वो लोग दोनों ही चली गई। तो अब मैं जाती हूँ किचन में और कोई बात नहीं, फ़ोन करते रहेंगे उन लोगों से बातें, और क्या कर सकते हैं हम लोग। नहीं तो देखिए पानी भी आ गया है और ढेर सारे बर्तन भी पड़े हैं। आज क्या हुआ था ना, सुबह जो मैंने नाश्ता बनाया था तो क्या था ज़्यादा बन गया था, और शाम की सब्जी भी रखी थी फ्रिज में और चटनी भी थी, तो मैंने क्या किया दिन में ना रोटी ही बनाई है आज। क्या बोलते हैं, इसके पापा भी उस समय ड्यूटी चले गए थे, उन लोगों के लिए मैंने रास्ते के लिए खाना बनाया था, तो सब्जी बहुत ज़्यादा बन गई थी, बच गई थी, तो मैंने रोटी ही बनाई, क्योंकि 11:30-11 बजे ही बनाई थी तो क्या बोलते हैं फ्रेश थी। और अब जाके मैं बर्तन धोती हूँ और उसके बाद देखते हैं क्या करते हैं आगे। और अभी मैं आ गई हूँ ग्राउंड में और यहाँ पे देखिए साहिल और उसके दोस्त खेल रहे हैं मैच। मैंने भी सोचा ना मैं भी थोड़ी देर यहाँ पे टहल लेती हूँ, मगर मन नहीं कर रहा आज कुछ भी करने को। साहिल भी नहीं खेलेगा मेरे साथ, अभी उसके दोस्त हैं। यहाँ पे चल रहा है साहिल का मैच और मेरे को वो देख भी नहीं रहा है कि मम्मी भी आई है करके। यहाँ पे बिल्कुल मस्त है अपने दोस्तों के साथ मैच खेलने में, और मेरे को लग रहा है ये हार रहा है। तो बता कौन जीत रहा है? मैं साहिल। तेरी खांसी ठीक नहीं हुई ना बीबी? चलो कौन जीत रहा है मैच? मैं। कितने हैंड जीता? झूठ। अरे कल मैच है। कल जीता था, आज ना? ये ना इतनी खांसी हो रही है फिर भी ना ये ग्राउंड आना नहीं छोड़ता है। ये है साहिल के सारे दोस्त। क्या क्या नाम है रे बताओ? और अनमोल। और उसका नाम क्या है? उसका नाम प्रियांशु। प्रियांशु और इसका नाम? चलो मैंने ना दोस्तों ग्राउंड के 1-2 चक्कर लगाए और उसके बाद ना मैं घर आ गई हूँ, और साहिल भी मेरे साथ ही घर पे आ गया था और वो कर रहा है अभी पढ़ाई, और मैं जा रही हूँ खाना बनाने के लिए। और ना आज इतना मन भी नहीं कर रहा है मेरा ना वीडियो बनाने का, तो जो आज की वीडियो है मैं यहीं पे ही एंड करूँगी। आई होप आप लोगों को आज की मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो प्लीज़ दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वाले ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।